जितनी भी बातें अभी तक बताई गई हैं सभी अफवाह प्रूव हुई हैं और सभी में हम लोग जांच कर रहे हैं। आइंदा से अगर कोई भी व्यक्ति, शरारती व्यक्ति अपने लाभ के लिए एक झूठी सूचना प्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ़ पुलिस पूरी जांच करके अगर वो चीज़ें फर्जी पाई जाएंगी उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। दो महीने में कुल मिलाकर के 7 या 8 चोरियाँ हुई थी। उस चोरियों करने वाले गैंग का वर्कआउट हुआ है, इसमें टोटल इस गैंग में लगभग 8-10 लोग हैं। इनमें से 6 लोग पकड़े जा चुके हैं, 7 लोग पकड़े जा चुके हैं और भी कुछ लोग शेष हैं, उनको हम लोग जल्दी ही पकड़ लेंगे। इसमें जो भी चोरियाँ हुई हैं वो उसकी रिकवरीज भी हुई हैं। चोरियाँ छोटी छोटी थी, बहुत छोटी छोटी थी, कहीं में तो कुछ भी नहीं गया था ऐसी चीज़ थी, लेकिन इस केस को वर्कआउट किया गया है। जो प्रमुख बात इस घटनाक्रम में है वो ये है कि इसकी आड़ में, इन घटनाओं की आड़ में जो 6-7 घटनाएं हुई हैं उस क्षेत्र में, उसकी आड़ में वहाँ के कुछ शरारती तत्वों ने अभी समाज में अफवाह फैलाना शुरू किया है। उन अफवाहों के बेसिस पे कई बार हम लोगों ने देखा कि जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों के साथ भी मिसहैंडलिंग कर रही है पब्लिक वहाँ की। 2-4 लोगों में, 2-4 गाँव में इस तरह देखने की बात आई है और 2-4 जगहों पर बिल्कुल ही तथाकथित एक मनगढ़ंत सी कहानी बना करके लोगों ने सूचनाएँ फैलाई। पुलिस हर जगह रिस्पॉन्ड कर रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये अपील है पब्लिक को कि अगर कोई भी बात आपको फील होती है आप लोकल पुलिस को सूचित करें, खुद से चीज़ें अपने हाथ में ना लें। जितनी भी बातें अभी तक बताई गई हैं सभी अफवाह प्रूव हुई हैं और सभी में हम लोग जाँच कर रहे हैं। आइंदा से अगर कोई भी व्यक्ति, शरारती व्यक्ति अपने लाभ के लिए एक झूठी सूचना प्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ़ पुलिस पूरी जांच करके अगर वो चीज़ें फर्जी पाई जाएंगी उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह से समाज की छवि खराब होती है। उस समाज में एक छोटी सी घटना जो कि एक नॉर्मल सी घर में किसी दुकान में 2 लोग घुस करके 4 बॉटल लेके चले जा रहे हैं उस पर भी लोग हवा बना दे रहे हैं, उस चीज़ का उस हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। समाज को आवश्यक है कि थोड़ी जिम्मेदारी से अपना काम करें। जो भी लोग झूठी सूचनाएँ प्रेषित कर रहे हैं उसमें आइंदा ये झूठी सूचनाएँ प्रेषित ना करें। जिसमें आप कंफर्म हैं बिल्कुल सूचित करें, हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है और त्वरित कार्रवाई करेगी। ऐसी कई सारी घटनाएं जिस पर हम लोग सब खुद लोग गए, हम लोग खुद गए, खुद रिस्पॉन्ड किया, वो सारी सूचनाएं फर्जी निकली और किसी न किसी दुष्प्रभाव से प्रेरित लगी किसी व्यक्ति के द्वारा। जिस व्यक्ति के द्वारा अब इस तरह की सूचनाएँ प्रेषित की जाएंगी और इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश की जाएगी उनके खिलाफ़ हर हाल में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।